नमस्कार। आप सभी को आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर और मुझ पर हमेशा बरसती रहे। जो भी मन की इच्छा है वो सारी पूरी हो। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, खुशी से अपनी जिंदगी को काटें और दूसरों को तकलीफ ना दें। चीजें खुद भी अच्छी करें, दूसरों की लाइफ भी इजी करें, बेहतर बनाएं। जिंदगी में आगे अगर बढ़ना है तो चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, हर कोई को आगे लेकर साथ में बढ़ना चाहिए। माता रानी की कृपा से मेरा चैनल, हमारा और आपका दोनों का चैनल जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू आप सभी का, आप सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आज मैं बात करूंगी आप सभी के किस तरह से अपनी सेहत को आप अच्छा रख सकते हैं। होली के समय कौन से ऐसे रिचुअल है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे कर से करके आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रही होगी तो वो बेहतर हो सकती है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो उन सब के बारे में मैं आज आपको छोटे छोटे टिप्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ज़रूर आजमाइए और मैं खुद भी ये चीज़ें करूँगी। तो पहली चीज़ ये बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ही करिए। तो चलिए इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, एक बात बता देती हूँ कि जो भी लोग होलिका दहन वाले दिन, आप होलिका दहन के समय बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं, होली वाले दिन के बहुत सारे उपाय मैंने बताए, उन सबको अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आज मैं कुछ ऐसे ऐसे उपाय आपको बताऊंगी, इसमें से एक या दो उपाय भी अगर आप कर लेते हैं तो ज़िंदगी में सफलता तो ज़रूर मिलेगी। ऐसे भी मंगल का साल है तो हेल्थ को लेकर इश्यूज़ थोड़े बहुत तो हर किसी के लाइफ में रहेंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर हो सकती है। तो चलिए बता देती हूँ क्या क्या आपको करना है। आपकी अगर हेल्थ सही नहीं चल रही है तो आपको पान का एक पत्ता लेना है, 21 सुपारी उसके ऊपर रखनी है, थोड़ा सा लाल गुलाल उसमें डालना है, उसको मोड़कर अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, जहाँ पर होलिका दहन होती है वहाँ पर ले जाकर दे दीजिए। होली वाले दिन आपको अग्नि में और भी क्या चीज़ें करनी है, आपको आग में थोड़ा सा पीला सरसों लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, हल्दी का गांठ मिल जाए तो 5 गांठ आप ले लीजिए, और आपको उसको रगड़ लेना है अच्छे से, सरसों और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, करके एक पीले रंग की पोटली बनाइए और उसको भी अपने सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन में डाल दीजिए। ऐसा करने से भी आपकी रोग बलाएं दूर होते हैं। होली वाले दिन एक उपटन आपको तैयार करना है जिसमें सरसों रहेंगे और थोड़ी सी हल्दी रहेगी, और उसको रगड़ रगड़ कर अपने स्किन में रगड़िए, और आपके स्किन की जो मैल निकलेगी उसको आप एक गोला बनाइए, बनाकर होलिका दहन वाले दिन आपको होली के दिन इस काम को करना है। और होली के दिन आपको एक कपूर जलाना है, कपूर में उस सरसों को और हल्दी को आपको डालकर पूरी तरह से जला देना है, और उस राख को पानी में वॉश बेसिन में आप डाल सकते हैं। आपको आज के दिन एक नींबू लेना है, अपने सर के ऊपर से 3 बार आपको घुमाना है, अपनी चीज़ें हारी बीमारी बोलकर उसको कट कर लीजिए 4 टुकड़ों में, और किसी भी कपूर के माध्यम से हो या कुछ भी जलाए आप, कुछ भी तरीके से उपटन में आप जला सकते हैं कपूर डालकर, उसमें वो नींबू को, 4 कटा हुआ नींबू को रख दीजिए और उसको जला दीजिए, और उसकी जो राख बचेगी उसको ले जाकर आप बाहर किसी वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, पौधे के नीचे उसको रख कर चले आए, घर के अंदर ना रखें, बाहर निकालना है इसको आपको। आपको आज के दिन एक गाय का बना हुआ उपला लेना है, 7 लौंग उसमें रखनी है, 2 इलायची रखनी है, आपको 2-3 तेज पत्ते ले लीजिए, 4-5 भी ले सकते हैं, तेज पत्ते उसमें डाल दीजिए, कुछ कपूर की गोलियां उसमें डाल दीजिए, डालकर जलाकर उसका धुआं अपने चारों तरफ घर पर हर एक रूम में करिए, जिससे आपके घर से नकारात्मकता बीमारी हारी दूर होने का काम करती है। आज के दिन अगर आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ किया है, होलिका दहन वाले दिन अगर किसी ने कुछ किया है या कुछ टोना टोटका आपके ऊपर हुआ है, तो कोई 11 पीली कौड़ी लेनी है, लेकर होलिका दहन जहाँ पर होती है उस जगह में जाना है, दहन होने के पहले अपने सर से 7 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अपनी चीज़ें बोलकर मिट्टी में गड्ढा करना है, उसके अंदर डालकर आप वहीं पर होलिका दहन जहाँ होती है वहाँ मिट्टी गाड़कर उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसा करने से आपकी चीज़ें बेहतर होना लाइफ में शुरू हो जाती है। आज के दिन आपको नींबू की 21 या 31, 31, 51, 101 या 108 माला आपको नींबू की बनानी है, और इसको ले जाकर या तो आप काली माँ पर चढ़ा सकते हैं या फिर आप भैरव बाबा के मंदिर में जाके भैरव बाबा को चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। आज के दिन उड़द की दाल की बनी हुई अगर दही बड़े आप किसी भी कर्मचारी को, आपकी मेड हो, सफाई कर्मचारी हो, उसको अगर आप भेंट स्वरूप देते हैं, दान करते हैं, साथ में कुछ गुलाल आपने दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, तो ऐसा करने से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सकारात्मकता आपके अंदर आती है, आपकी नेगेटिविटी बहुत दूर दूर तक चली जाएगी। इसके अलावा एक मुट्ठी पीली सरसों कागज़ में आपको लेनी है, और आपको 7 काली वाली जो बड़ी इलायची होती है वो 7 इलायची आपको लेनी है,
फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है, काले रंग के कपड़े में इन सारी चीज़ों को डालना है और 11 लौंग लेने हैं, 11 कपूर के ढेले लेने हैं। लेकर इसको मोड़िए, मोड़ कर अपने सर से 11 बार घुमाइए और इसको होलिका दहन वाले दिन ले जाकर जला दीजिए। और अगर होलिका दहन आपके यहाँ पे नहीं होता तो किसी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर भी रख सकते हैं आप, और अगर आपके वहाँ पे पीपल का भी वृक्ष नहीं है तो थोड़े दूर में जाके किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते हैं तो आप किसी भी जगह पर किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके अंदर की सारी चीज़ें दूर होती हैं और अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आशा करती हूँ मेरे छोटे छोटे टिप्स वीडियोस आपके काम आएंगे और इनको करके आपकी ज़िंदगी में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।